अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब से स्वागत दोस्तों। आज हम लोग तेलंगाना मैट्रिक्स में मिली है, क्योंकि अभी इनॉग्रेशन हुआ है रिसेंटली। यही है इसका, और ये एंट्रेंस है इसका, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है तेलंगाना की, जो कि न्यू अभी कंस्ट्रक्शन हुआ, और ये भी अभी इनॉग्रेशन हुआ इसका। तो ये है रोड्स, यहाँ पर पार्किंग अपन रख ले सकते हैं व्हीकल्स, पीछे टू व्हीलर और फोर व्हीलर भी। अच्छा, डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है तेलंगाना का। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है एंट्रेंस तेलंगाना मैट्रिक्स मेमोरियल का। बहुत ही खूबसूरत बना है ये, मैं समझता हूँ ऐसा तो डिज़ाइन जो है यूएस में देखा था मैं, तो सेम डिज़ाइन है ये भी। पीछे देख सकते हैं बिल्डिंग आप लोग, अरे ट्रैफिक भी, ये हैदराबाद की ट्रैफिक है। टैंक बंड, पीछे फ्लाईओवर है टैंक बंड का। ये है न्यू बिल्डिंग, ये मिरर के एसी इसके लिए क्या वो कुछ भी दिखे नहीं आ रहा, बिल्डिंग दिख रही है उसमें। पीछे देख सकते हैं, पीछे रोड देख सकते हैं आप लोग, एकदम नीट, अभी कंस्ट्रक्शन करे इसके लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इनॉग्रेशन इस दिन हुआ 22 जून के दिन, और इस दिन ड्रोन शो भी था यहाँ पर। तो जबकि ये पोस्टर्स, ये यहाँ का एंट्रेंस है तेलंगाना मैट्रिक्स मेमोरियल बोल के, और ये अच्छा इनॉग्रेशन था इसके लिए, क्या है पूरा फ्लावर से सजाए सब। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अभी जाने तो नहीं दे रहे लोग, अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा जैसा है इसके लिए। बट ये बहुत ही खूबसूरत है ये बिल्डिंग, देख सकते हैं आप लोग। ये है एकदम मिरर जैसी है। ये जो है अंदर का हिस्सा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यही है बिल्डिंग तेलंगाना मैट्रिक्स की। तो अभी हम लोग है एनटीआर पार्क, आप लोग देख सकते हैं पीछे फाउंटेन है एनटीआर पार्क का, और यहाँ एंट्रेंस है आगे। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग एनटीआर पार्क में है, ये एंट्रेंस है पीछे जो दिख रहा, और ये साइड में देखे तो अंबेडकर स्टैचू है यहाँ पे, और ये है एनटीआर पार्क। अभी ज़रा डेवलप अच्छा हुआ। ये पीछे जो दिख रहा वो फाउंटेन है, यहाँ पे लोग क्या है एंजॉय करते हैं यहाँ ठहर के, क्योंकि वो छोटा स्नो के जैसा पूरा ऊपर गिरता तो ठंडा दिखता, धूप बहुत है अभी, पसीना भी आप लोग देख सकते हैं मेरे को इतना पसीना आ रहा। ये इंडिया पार्क, तो ये देखिए,
जो फाउंटेन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खूबसूरत। ये है NTR पार्क हैदराबाद का। अपन अभी आगे देखेंगे, यहाँ पर स्लाइडिंग है, वाटर स्लाइडिंग, बहुत ही मज़ा आता है इधर। ये सेक्रेटेड बिल्डिंग है बाजू, तो ये देखेंगे। चलो देखेंगे पीछे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर 100 रुपीज़ फीस है मेक एंट्री इसका, जब टिकट लेके जाने का है। तो ये है मेक एंट्री, वाटर स्लाइडर है, यहाँ पे 100 रुपीज़ फी है इसकी, पर बहुत मज़ा आता। अभी देखो ये स्लाइडिंग के लिए ऊपर भेज रहे, अभी वहाँ से लोग स्लाइड होके आते हैं यहाँ पर नीचे। देखें कितने लोग पुकारते नीचे। बहुत ही खूबसूरत है मिखेन ट्री। ये छालिया का झाड़ दिख रहा है मेरे को, अगर आप सही है तो ये पहचानो। ये है NTR पार्क, आप लोग देख सकते हैं। मौसम भी अच्छा दिख रहा है, अभी ठंडा हो गया, जब से बहुत धूप थी और गर्मी थी। तो अभी हम है गेमिंग जोन पे, आप लोग देख सकते हैं पीछे झूले यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और बच्चे भी है, लोग क्या है आज वीकेंड है, अभी तो 3 बज रहे, इसके लिए क्या है बहुत कम लोग है। 4 बजे के बाद अभी लोग शुरू होते। आप लोग जो झूला दिख रहे पीछे, वो बहुत ही डेंजर है, क्योंकि वो पूरा ऊपर नीचे खोल फिरा देता। दिखा तो मैं आ गया आप लोग को। तो ये सारे झूले जो है NTR पार्क में है, और पीछे 3D सिनेमा भी है, देख सकते हैं। ये देखो ड्रीम गर्ल गोल फिर रही, ये बच्चों का वाटर स्पोर्ट्स है, देख सकते हैं पीछे। ये है कोलंबस। ये देख सकते हैं आप लोग कार्स, यहाँ पर बैठ के क्या खाना खा सकते हैं।
स्टैचू तो मालूम है आप लोग को पीछे। तो ये पीछे जो देख रहे हैं आप लोग, ये जापानीज गार्डन है। सीधा हम एनटीआर पार्क से जापानीज गार्डन आ गए। तो इसमें बोटिंग भी है, देख सकते हैं जापानीज गार्डन में। अभी वो बोट जो है ब्रिज के नीचे से जाती है। तो ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर तालाब है, इसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट चाइना में आगे से क्या दिख रहा पीछे। ये देखिए बोटिंग यहाँ पर। ये देखिए जापान के बिल्डिंग्स है। अभी अपन जा रहे जेंट व्हील के पास, तो देखेंगे यहाँ पर कितना है टिकट जेंट व्हील का। ये देख सकते हैं पार्क आप लोग, बहुत ही खूबसूरत। और ये है जेंट व्हील। पीछे देख सकते हैं जेंट व्हील। ये देख सकते हैं आप लोग पीछे कीड़े मकोड़े टिड्डे जो भी है पीछे सीमेंट के बना के है वो पूरे। अभी हम लोग फ्रूट रेस्टोरेंट के पास है, आप लोग देख सकते हैं आगे। चलो आइए देखिए। तो ये है फ्रूट रेस्टोरेंट, आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा सीमेंट का बना हुआ है ये। ये बहुत ज़माने से देखता हूँ मैं, पर वीडियो अब निकाल रहा जी। अच्छा अच्छा अच्छा।
बैठो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।